हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं बीआरबी फोटो वीडियोस। दोस्तों आज हम सीखेंगे 3D बॉक्स का वीडियो कैसे बनाते हैं और उसमें फ़ोटो ऐड किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से बना सकें। हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और यहां से है जो मैं एप्लीकेशन है उसे ओपन करता हूं और इसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप है जो डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके है जो आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं। तो पहले से मैं इसको रजिस्टर कर देता हूं ताकि शुरू से करके आपको पूरा पर्टिकुलर बताऊं। तो यहां पर आप पहले पर करेंगे तो यहां पर आपको चार बॉक्स, दो बॉक्स मिलेंगे, उसमें से एक तो 6 फ़ोटो ऐड करने का है और एक है 2 फ़ोटो ऐड करने। तो हम यहां पर है जो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग और फ़ोटो सेलेक्ट करके मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके है जो आपको करना है। तो मैं यहाँ से है जो ये एक मेरा फ़ोटो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं और जल्दी से हम फ़ोटो है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 6 फ़ोटो लेने हैं यानी 6 फ़ोटो। ये एक मेरे फ्रेंड का फ़ोटो है तो इसको भी मैं ले लूँ, इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। तो इसको क्रॉप करके इस तरीके से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और साइज़ सेलेक्ट करने के बाद में आप है जो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमें और फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल 6 फ़ोटो है जो आप ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगी घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, हम आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन और जानकारी देते रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे पिक्सल है जो हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो हम हैं जो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये हमारे टोटल फ़ोटो है जो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम दोबारा वापस बैक आ जाते हैं, ठीक है। एक और फ़ोटो रह गया है तो इस फ़ोटो को भी मैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अंत में फ़ोटो है जो सेलेक्ट कर लिया और अब हम है जो बैक आते हैं, वापस आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का, तो शो यू बैकग्राउंड पिक्सल। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो रखना चाहते हैं तो फ़ोटो रख सकते हैं और ग्रीन स्क्रीन या कोई भी कलर रखना चाहते हैं तो मैं है जो सिंपली कलर रख रहा हूँ तो ब्लू कलर है जो मैंने सेलेक्ट कर दिया। थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपका फ्रेम का, इसमें अलग अलग तरह की आपको फ्रेम देखने को मिल जाएगी, आपकी जो भी पसंद हो वो फ्रेम आप है जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ्रेम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फ्रेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये थोड़ी दिखने में अच्छी दिख रही है। अब आपको ऑप्शन मिलता है इफ़ेक्ट का, तो इसमें हम कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं, नो इफ़ेक्ट रखते हैं और फ्लैटिंग प्लस, तो इसको आपको क्या करना है, ज़ीरो कर देना है। फ्लैटिंग प्लस को ज़ीरो करने के बाद में आपको मिलता है साइज़, तो यहाँ सूट साइज है जो यहाँ पर आपको कर देनी है, आप जो भी साइज़ रखना चाहते हैं बॉक्स की, ठीक है। नीचे आपको मिलता है किस स्टाइल में आप है जो बॉक्स को रखना चाहते हैं। तो मैं है जो ये पहले नंबर की है डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको जो भी पसंद आए वो आप यहाँ से है जो सेलेक्ट कर लीजिए। तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको सेलेक्ट करने के यहाँ पर, ठीक है। नीचे आपको रेडियो स्पीड भी मिल जाती है, अगर आप स्पीड के हिसाब से किस स्पीड में आपका बॉक्स घूमना चाहिए। तो हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फ़ोटो क्लब। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक साइड में जा रहा है, एक साइड में जा रहा है, तो इसको हमें बराबर 20 में करना है। तो वो किस तरीके से करना है हम आपको बता देते हैं।
तो साइज़ पर आप क्लिक कीजिए और होस्टिंग पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर 50-50 है जो 50 रख देना है और इसको भी आप है जो 50 कर दीजिए। ठीक है, 50 करने के बाद में अब दोबारा चेक करते हैं कि हमारा सही तरीके से बना कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो बॉक्स एकदम 20 में आ चुका है। आप जिस भी साइड में आप रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।